हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज दीपक फ्रॉम KTPL। मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आप हमारा चैनल देख रहे हैं, ये हमारा चैनल है और इसमें काफ़ी सारे वीडियोस हैं। टैली के रिगार्डिंग भी है, GST के रिगार्डिंग भी है और साथ ही साथ इसके अंदर डिज़ाइनिंग की टिप्स और ट्रिक्स हम दे रहे हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जैसे ये प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर दिया हुआ है डिज़ाइनिंग ट्यूटोरियल्स, हाउ टू इंक्रीज सेल्स। अगर आपको सेल्स इंक्रीज़ करनी है अपनी कंपनी की, अपने बिजनेस के लिए अगर आपको काम करना है उसके ऊपर, तो उसके रिगार्डिंग भी हमने वीडियोस बना रखे हैं और नए वीडियोस भी इसके अंदर डल रहे हैं। और अभी जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो आप अभी जा करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ आप शेयर भी करिए इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उन्हें भी नॉलेज मिल सके। चलिए मिलते हैं। ओके, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं दीपक आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं एक एंट्री कर रहा हूँ, पेमेंट वाउचर में हूँ मैं और उसमें हम एंट्री कर रहे हैं और हमने डेट ये एंटर करी। ओ, ये क्या हो गया? ये हमारे सामने एक एरर क्यों आ गई? इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है डेट कैन नॉट बी अबव द करंट पीरियड। तो इस तरीके की अगर एरर आपके पास भी आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। इस वीडियो में जुड़े रहिए बिल्कुल एंड तक, ताकि आपको समझ में आए और आप अप्लाई कर सकें। और साथ ही साथ जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, वो अभी जाइए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हमारे प्रोफाइल्स हैं, वहाँ पर जाकर के भी आप प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो इस टाइप की अगर एरर आपके पास भी आ रही है तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन अभी दूंगा, जुड़े रहिए। तो ये एरर आ रही है, पहली बात तो ये एरर का मतलब क्या है? इस एरर का मतलब है कि डेट कैन नॉट बी अबव द करंट पीरियड। मतलब इसका मतलब है कि जो हमने करंट पीरियड सेलेक्ट किया हुआ है, वो करंट पीरियड हमारा जो हम डेट दे रहे हैं उसमें और जो हमारा करंट पीरियड है उसमें डिफरेंस आ रहा है। मतलब अबव है वो, जो हमने डेट सेलेक्ट करी है और जो हमारा करंट पीरियड है वो इससे कम का है। तो हम बाहर जाकर के पहले देखते हैं, पेमेंट वाउचर से हम बाहर आ गए और हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि करंट पीरियड क्या आ रहा है, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। तो बिल्कुल सही है अपनी जगह पे टैली है कि आपका अगर करंट पीरियड 31 मार्च 2021 को ख़त्म हो रहा है तो फिर आप एंट्री 1 अप्रैल 2022 की कैसे कर सकते हो? तो ये अपनी जगह पर सही है। तो अब ये प्रॉब्लम मैक्सिमम या ज़्यादातर कब आती है? जब आप दो कंपनीज़ को ओपन करके काम करते हैं। मैंने क्या किया था, मैंने पहले ये कंपनी ओपन करी थी जो 2021 की थी, मतलब जो 2020 और 21 की थी, और फिर उसके बाद मैंने एक एंट्री और मैंने एक कंपनी और ओपन करी जो मेरी करंट ईयर की कंपनी है, 2022-23 की कंपनी है। तो अब क्या हुआ, अगर मैं इस करंट कंपनी के अंदर एंट्री करना चाह रहा हूँ तो वो एंट्री नहीं करने दे रहा, बिकॉज करंट कंपनी का जो करंट पीरियड है उसका पीरियड है 2022 से 2023। तो इसका एक सॉल्यूशन हमारे सामने ये है कि हम जो कंपनी हमारे काम की नहीं है हम उसे शट कर दें। हम गए और शट में गए और यहाँ पे दो कंपनीज ओपन है, एक 2021, हमने इसको बंद कर दिया तो फिर हमारा ये काम हो जाएगा। और दूसरा है कि हम चाह रहे नहीं दोनों कंपनीज ओपन रहे तो हम यहाँ पर एंट्री जो करेंगे तो हम उससे पहले क्या करेंगे, चेंज पीरियड कर देंगे 1/4/2020 से लेकर के 2023 तक, या फिर आप 2022-23 भी डाल सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है। अब आप जाएंगे, अब आप एंट्री करेंगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी, हो गई एंट्री, अब वो प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आई। तो आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा जो मैंने आपको एरर बताई। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और कमेंट भी ज़रूर करिए और साथ ही साथ बताइए कि इस वीडियो में आपने क्या सीखा है कमेंट के अंदर, ताकि हमें पता चले कि आपको इस वीडियो में क्या समझ आया है। और कुछ क्वेरी हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स के अंदर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ध्यान रखिए, थैंक यू।